गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 30th of October का सेशन है। इसका जो एडिटोरियल है कि कौन से एडिटोरियल के वो कैप करवा रही हूँ मैं आपको, ये वाला एडिटोरियल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा और ग्रुप का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको एडिटोरियल का पीडीएफ मिल जाएगा, जिस भी एडिटोरियल से मैं आपको ये वोकैब करवाने वाली हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, यहाँ पे आपको इस चैनल पर और जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस पर आपको डेली प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, क्वांट्स की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई पेमेंट आपसे नहीं ली जाती। और इसके अलावा आपको डेली वोकैब और करंट अफेयर शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा डेली रात को 10 PM आपके साथ क्विज शेयर किया जाता है। क्विज करते हैं स्टूडेंट्स वहां पे अटेम्प्ट किस किस चीज का, करंट अफेयर्स का, वो कैब का और क्वांट्स का। वो कैब भी हो सकती है, उसमें इंग्लिश के मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं बट होते हैं वो कैब से रिलेटेड है। और इसके अलावा क्वांट्स की नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, इस तरह के क्विज जो है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस चैनल को और इसके साथ रिलेटेड जो ग्रुप है उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उस ग्रुप में ये डेली क्विज होते हैं रात को 10 बजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं आपको वो कैब करवाने वाली हूँ आज की, कौन से डे की वो कैब है, 30th of October की। तो वो कैब स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ हमारे। मेरे यहाँ पे पहला वर्ड है सेवर। सेवर का मतलब होता है इंटेंस। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस के साथ हमें और ज्यादा मतलब इसका क्लियर हो जाएगा। Perhaps these strange symptoms were a sign that she was about to have a severe illness. हो सकता है कि ये जो अजीब से symptoms क्या होते हैं, लक्षण, जो अजीब से लक्षण दिख रहे हैं वो एक निशानी थी, एक sign था किस चीज का, कि वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ने वाली है। तो severe का मतलब क्या होता है, intense, intense मतलब बहुत ही भयानक रूप से, बहुत ही ज्यादा terrible, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेवर का मतलब इंटेंस। नेक्स्ट मेरा वर्ड है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कॉज और ब्रिंग अबाउट, किसी चीज का होना या किसी चीज के होने का कारण होना। ही टेयरफुली, कहां गया, ही टेयरफुली थैंक द अथॉरिटीज फॉर देयर प्रॉम्प्ट एक्शन। उसने रोते हुए अथॉरिटीज का धन्यवाद किया उनके प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए, मतलब जो इमीडिएट एक्शन था या जो वो एक्शन चाहता था उसको लाने के लिए। तो ये मेरा हो गया प्रॉम्प्ट का मतलब। नेक्स्ट है इन द इंटरिम। इन द इंटरिम का मतलब होता है एट और ड्यूरिंग द सेम टाइम, एक ही टाइम पर किसी चीज का होना, उसको बोलते हैं इन द इंटरिम। द रेगुलेशंस आर शेड्यूल्ड टू गो इनटू इफेक्ट नेक्स्ट विंटर। जो भी रेगुलेशंस शेड्यूल की जा रही हैं वो मतलब इफेक्ट में आ जाएंगी नेक्स्ट विंटर, अगली सर्दियों में। एंड इन द इंटरिम और उसी टाइम के दौरान, उसी समय के दौरान, वी विल बी वर्किंग हार्ड, हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे टू मेक ऑल ऑफ द एप्रोप्रिएट चेंजेस, जितने भी एप्रोप्रिएट चेंजेस मतलब जितने होने वाले चेंजेस हैं उनको करने के लिए। तो ये मेरा हो गया मतलब इन द इंटरिम का। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देखिए वो कैब की क्लास जो आपकी डेली लगेगी, आपको एक काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे सारी वोकैब और उनके मीनिंग्स, मतलब अगर मैं आपको 10 वर्ड करवा रही हूं तो 10 वर्ड्स के आपको वर्ड्स और मीनिंग लिख के मुझे सेंड करने हैं कमेंट सेक्शन में। अब मैं ये क्लास ले रही हूं तो आपको अगर ये वर्ड्स लर्न करने हैं, नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ भी आप ऐसा नहीं करने वाले, तो आप सिर्फ 5 मिनट लगा के कमेंट सेक्शन में इसके वोकैब के वर्ड्स और मीनिंग आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट मेरा वर्ड है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिंग अटेंशन बाय रीजन ऑफ बीइंग अनयूजुअल, एक्सट्रीम और प्रोमिनेंट। किसी के अटेंशन को अट्रैक्ट करना, किस कारण से कोई चीज अजीब सी दिख रही है या अच्छी दिख रही है या कुछ अलग दिख रही है, उसके कारण जो अटेंशन मिलती है उसको बोलते हैं स्ट्राइकिंग। There is a striking resemblance between these girls. इन लड़कियों के बीच में एक striking resemblance है। Striking अब यहाँ पे अजीब भी हो सकता है, अच्छी भी हो सकता है, तो इस तरह से किसी भी तरह की resemblance की बात की गई है। तो इन लड़कियों में
एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब है परसिस्ट इन ऑपोजिशन और सपोर्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज के खिलाफ खड़े होना या किसी चीज के सपोर्ट में खड़े होना। परसिस्ट इन ऑपोजिशन और सपोर्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के खिलाफ या उसके साइड में खड़े होना। तो इसका जो सेंटेंस है उसके साथ मतलब क्लियर हो जाएगा। शी इज अ स्टैंड आउट अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट्स। वो उस टाइम पर वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स अवेलेबल थे उनके वो स्टैंड आउट मतलब उनके खिलाफ थी। नेक्स्ट मेरा वर्ड है स्टार्कली। स्टार्कली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज सेवर और हार्श इन अपीयरेंस और आउटलाइन। कोई ऐसी चीज जो मतलब दिखने में बहुत ही ज्यादा भद्दी हो, हार्श हो या फिर बहुत ही बुरी लग रही हो। द रूम वॉज डेकोरेटेड स्टार्कली। जो कमरा था वो बड़ा ही भद्दे तरीके से या बुरी तरीके से सजाया गया था। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्टार्कली का मतलब। नेक्स्ट मेरा वर्ड है अंडरस्कोरिंग। अंडरस्कोरिंग का मतलब होता है एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बताना। मतलब कोई ऐसी चीज, जैसे हम बोल सकते हैं इसको एविडेंट, कोई ऐसी चीज उस टाइम पर होना जो मतलब एक सबूत के तौर पर रहे, एविडेंट रहे, उसको बोलते हैं अंडरस्कोरिंग। द प्रेसिडेंट्स विजिट अंडरस्कोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन्स कमिटमेंट टू फ्री ट्रेड। प्रेसिडेंट के आने से, उसकी विजिट से, जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट थी फ्री में ट्रेड करने की, वो क्या बन गई, एक एविडेंट बन गई। मतलब उसकी जो प्रेसिडेंट की विजिट थी वो एक इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंट एविडेंट बन गया कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट हो चुकी है कि वो फ्री में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अंडरस्कोरिंग का मतलब। नेक्स्ट मेरा वर्ड है फीजिबल। फीजिबल का मतलब है पॉसिबल टू डू इजिली और कन्वीनियंटली। किसी चीज को आसानी से कर लेना, इजिली कर लेना, उसको आसानी से करने की क्षमता होना। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर फीजिबल सॉल्यूशंस। हम अभी भी कुछ आसान सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे हैं या उनको देख रहे हैं, कुछ और मतलब आसान से सॉल्यूशंस मिल जाए। अब वो सॉल्यूशन किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक फिजिबल को मैंने वर्ड यूज किया है आपको मतलब समझाने के लिए कि उसमें बोला गया है कि स्टिल लुकिंग फॉर फिजिबल सॉल्यूशंस, अभी भी हम कुछ आसान तरीकों की आसान तरीकों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको ये वो कैब जो है ना वो डेली के 10 वर्ड्स में आपको करवा रही हूँ। अगर आप ये डेली 10 वर्ड्स अच्छे से करते जाएंगे तो एग्जाम तक आपकी वो कैब बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो जितने भी मेरे फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं, क्लोज चेस्ट के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, तो ये सारे मेरे किस पे बेस्ड होते हैं, ओनली एंड ओनली वो कैप के ऊपर। तो आप वो तभी कर सकते हैं जब आपको फिलर्स और क्लोज चेस्ट तभी कर सकते हैं जब आपको वो कैप आती हो। बाकी क्वेश्चंस भी जैसे आरसी है उसमें भी वो कैप बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करती है, पैरा जंबल्स में भी। तो वो कैप को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना आपने, इसको लाइटली नहीं लेना। नेक्स्ट वर्ड है बीमिंग। बीमिंग का मतलब होता है ट्रांसमिट अ रेडियो सिग्नल और ब्रॉडकास्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। कुछ किसी चीज को मतलब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना, वो रेडियो सिग्नल भी हो सकता है या ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है सैटेलाइट्स वगैरह के, तो उसको बोलते हैं बीमिंग। तो सेंटेंस के साथ, ये सेंटेंस मैंने डायरेक्टली एडिटोरियल से लिया है आपको समझाने के लिए, तो देखते हैं। स्टेट्स सच एज तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स हैव ऑलरेडी होस्टेड करिकुलम बेस्ड वीडियो। उन्होंने ऑलरेडी मतलब करिकुलम बेस्ड वीडियो, करिकुलम क्या है, सिलेबस ओरिएंटेड, जो मतलब स्कूल्स में सिलेबस है बच्चों के, उनके ओरिएंटेड जो वीडियो लेसंस हैं वो इंटरनेट पे डाल दिए हैं आफ्टर बीमिंग दम ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर भी बीमिंग के बाद, मतलब टेलीविजन पे तो वो उन वीडियोस को ट्रांसमिट कर ही रहे थे, उसके बाद उन्होंने वो वीडियोस को इंटरनेट पे भी डाल दिया है, बीमिंग मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर दिया है। नेक्स्ट है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो इसका मेरा यहां पे क्या मतलब है, टू थिंक इमेजिनेटिवली यूजिंग न्यू आइडियाज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल और एक्सपेक्टेड आइडियाज। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब क्या है, इमेजिनेटिवली थिंक मतलब सोचना, मतलब इमेजिनेटिवली सोचना कुछ नए आइडियाज को, ट्रेडिशनल या कोई एक्सपेक्टेड आइडियाज को छोड़कर, जो पुरानी हम चीजें यूज करते आ रहे हैं काम में या किसी भी चीज में, उन आइडियाज को छोड़कर कुछ नए आइडियाज को आजमाना, उसको बोलते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। आई एम ट्राइंग टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू मेक दिस इवेंट अ सक्सेस एट एनी कॉस्ट दिस ईयर। मैं मतलब आउटसाइड द बॉक्स मतलब कुछ हटके सोच रही हूँ, कुछ हटके करने का कोशिश कर रही हूँ इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी हालत पर इस साल में। तो
तो ये मेरा मतलब हो गया थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो आज हमने ये किए हैं 10 वर्ड्स न्यू वोकैब के आज के एडिटोरियल से। द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल मैंने आपको करवाया, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी कि कौन से एडिटोरियल से करवाया है। तो आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही ज्वाइन करने हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे वर्ड्स और उनके मीनिंग, 10 के 10 वर्ड्स और मीनिंग आप मुझे अभी लिखकर सेंड करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है वीडियो को, कमेंट नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो मिलते हैं कल की क्लास में नए एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग के साथ, ठीक है। और अभी आपका रात को 10 बजे इसका क्विज भी होगा, तो सभी उस क्विज में जरूर आए, क्विज अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं रात को 10 बजे क्विज में, ठीक है। ओके जी, थैंक।